अच्छा तो भी चेक करने पड़ेंगे इसके। मैं तो सोचता था इसी को एक सेट मारते सीधा हो जाता। ये यहाँ से देखो तो ये आ गया हमारा नया हैंडल बार। तो भाई साहब ये 2500 का हैंडल है और ये कितने का अब जाएगा? 3500 काटो। अब उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें शायद इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है। पर्सनल लाइफ है मेरी, उसके बारे में मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया है। जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चला रहे हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना कमेंट कर दो, मैं यहाँ से भी वो सारे क्वेश्चन पकड़ लूंगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हम सब लोग, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे। हम यहां से हो रही है ब्लॉग की शुरुआत। देखो अभी काफी दिन हो गए बाइक गिरे हुए, तो इसका हैंडल वैंडल जो है आज इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवाएंगे। अभी मैं जा रहा हूं मृगांक भैया को लेने। एक्चुअली उन्होंने अपनी बाइक कहीं छोड़ी हुई है, मेरे रास्ते में ही पड़ेंगे वो, तो वो अपनी बाइक ले लेंगे वहां से। और बाकी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आपको टाइटल थंबनेल से पता चल गया है। देखो लॉन्ग राइड, अबे यार लॉन्ग राइड का मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, सब कुछ सही रहेगा तो कुछ नया आप लोगों को दिखाएं, कोशिश हमेशा से यही रहती है। लगता है मुझे ही फोन कर रहे थे, मेरे को ही फोन कर रहे थे क्या? शूज कहाँ से डालूं? निक्कर फिर लगी है ना चप्पल के साथ ना। और भाई साहब ये आपको दिख रही है मृगांक भैया की MM550। तो फिलहाल यहाँ से निकलेंगे। का ये वाला एक नकल गार्ड टूट गया है, तो अभी ये देखेंगे नकल गार्ड ने वाला लेंगे जो भी करना है। क्या चल भैया, ठीक हो? इसका नकल गार्ड पड़े आपके पास हिमालयन के? दिखाना कौन से वाले हैं। ये आगे भी यहाँ से भी लगेगा कहीं? अच्छा नकल गार्ड देख तो लिए, बट उसके लिए ये है कि पहले आपको हैंडल चेंज होगा। ये हैंडल बार रेजर भी लगा लूंगा, सीधा जाएंगे ऋषि भैया के पास ही, इसको पहले ठीक करवाते हैं और उसके बाद क्या क्या जरूरी मॉडिफिकेशन आती है वो सारी आपको बताते हैं। गांग भैया तो यहाँ रुक गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ ऋषि भैया के पास। आ जाओ फिर, यहाँ तो पहले ही हिमालयन लगी हुई है। बस ठीक है भैया, क्या हाल चला जी? ठीक हो? रील वील देख रहे हो, बढ़िया एकदम है। निकल गया सर, बढ़िया। ऋषि भैया ठीक हो? बस बढ़िया, आप ठीक हो? बस ठीक है। हैं गिर जाते हैं यार, ये घुटने पे लगी है और ये बाजू पे लगी है। तो भाई साहब मृगांक भैया यहाँ से जाते हुए हमें अलविदा कह रहे हैं, इसको क्या करवाना है? ये तो बहुत दिनों से लगा था राहुल भैया के ऑफिस। अच्छा आज वापस लेने आया हूँ। ठीक है फिर, जितना खराब रहेगा उतना सही है। करण जो इसके आगे ये वाले लगते ना मेटल वाले, ये मेरे को मेरे मिले नहीं ना, लगा दो दूसरे कौन से? ये वाले लगा के बता देंगे। हाँ ये चलो देख लेंगे कैसे लगता है। मेन लेग गार्ड का था, इस लेग गार्ड ने बचा लिया वैसे। तो भाई ये आपको दिख रहा है लेग गार्ड की हालत, ये यहाँ से देखो पूरी रस्सियाँ वस्तियाँ कट गई हैं इसकी। उसको लगा दे, इसको ऐसे लगाएंगे ऐसे लगाएंगे, नया स्टिकर है, थोड़ा तगड़ा ग्राफिक नया आपने। पूरा ही खुलेगा सब कुछ है ना, हैंडल बार के लिए ना सब कुछ खोलना पड़ता है। पर एक चीज़ मुझे इसकी सही लगती है हिमालयन की, गिरा सिर्फ हैंडल ही टेढ़ा हुआ, बाकी सब तो ठीक है मतलब। और एक ही इंडिकेटर टूटा, मतलब उतना इसमें डैमेज नहीं आता है, ही कुछ नहीं है डैमेज आएगा किस पे? तो KTM एडवेंचर आती है नहीं, वो तो आगे से उसका पूरा मुखौटा ही टूट जाए इतनी देर में तो, और फिर वो पड़ेगा भी महंगा। तो ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है, बस ये है कि थोड़े लेग गार्ड हैवी चाहिए इसको, नकल गार्ड्स भी अच्छे वाले चाहिए, गियर्स वगैरह पहन के रखो। अगर मैंने गियर्स प्रॉपर पहने होते ना सारे, मुझे ना यहाँ लगती ना घुटने पर लगती। क्यों बोलते भैया? और बताओ तबीयत खराब आगे है? तो आपकी भी तबीयत खराब है क्यों? ये हमारा आ गया इंडिकेटर, इंडिकेटर लग जाएगा एक टूटा हुआ, अच्छा नहीं लगता। इन भाई साहब का ना पिस्टन खराब हो गया। अच्छा पिस्टन खराब हो गया, वो नया डालना पड़ेगा। ये वाला निकाल के तो इनको फिट कर देंगे, तभी इनको साथ बिठाया ना इस पिस्टन। तभी आज वो शांत होके बैठे काफी। प्लग इसका शॉर्ट हो गया ना, स्पार्क प्लग, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा बलदेव भैया क्या कुछ बोलना चाहेंगे? धुआं मार के ना ये देखने में ना बड़ा इजी सा लगता है, लेकिन रॉड को चेंज करने के लिए ना पूरा खोलना पड़ता है। तो ये आ गया हमारा टूटा हुआ, टूटा नहीं है थोड़ा सा बेंड हो गया यहाँ से। तो ये आ गया हमारा नया हैंडल बार, ना ब्लैक कलर में लगता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता? हाँ ज्यादा अच्छा लगता। अब जो आ गया तो लगा देते हैं। ऋषि भाई ब्लैक क्यों लाया आपने? तो ब्लैक ही लगा दो ना, भैया मेरा मुंह तो निकल गई क्या बताऊं भैया। ब्लैक कलर का 2500 रुपए किस बात है? क्लासिक का 470 का है। डलता पता नहीं मुझे, डालो
फर्क आ जाएगा यार, फर्क आएगा, फर्क आएगा, बड़ा फर्क आएगा। वो वाला देखा ना 25 वाला कौन सा ब्लैक है, उसमें ना वो वाइब्रेशन रॉड लगी थी, वो नहीं है, वो लगा दी थी और उसको नकल गाड़ी लगती है। वैसे तो ये किसी काम का है नहीं है, लेकिन चलो अब लगा हुआ है तो लगा ही रहने देते हैं। ये अच्छा, ये है 2500 वाला। हाँ। वैसे ये 2500 का हैंडल और ये कितने का है, 500? ये 580 का है। 580 का ये खाली है यहाँ से। हाँ, इसमें नकल गार्ड नहीं लगेंगे। ठीक है। और ये हैंडल बाहर नहीं लगेगा, हैंडल गेट। ठीक है, ठीक। तो इसकी खासियत क्या है फिर? कोई खासियत नहीं। इस पे एक वाइब्रेशन रॉड लगती है, आरी का। अच्छा, जो मॉडल नॉर्मल है इसका। अच्छा, ये उसका ना स्टैंडर्ड का। ठीक है, यहाँ पे लगा के ना बेल्ट करा के फिर इसके ऊपर नकल गार्ड लगेगा। हैंडल वेट कहते हैं इसको। और ये लग रहा है क्लासिक का, क्लासिक का स्टैंडर्ड का है, क्योंकि मेरे हिमालयन के मुझे मिले नहीं और अभी हिमालयन के अवेलेबल नहीं है, तो इसी से काम चलाएंगे, क्योंकि अब हमारे नकल गार्ड तो टूट चुके हैं तो यही चलेगा। थोड़ा सा ये है कि लुक्स डिफरेंट हो जाएगी अब, और वो मैंने काफ़ी देर से वही लगा रखे थे तो उससे ये अच्छी लग रहा है। चेंज ज़रूरी है, बस ये है कि अब थोड़ी सेफ्टी का मसला हो जाता है, क्योंकि मेरा ये वाला नकल गार्ड टूट गया था, तो अगर नकल गार्ड नहीं होता तो हाथ ही टूट सकता हूँ। नया हैंडल बार जो है लग चुका है, अब सही लग रहा है। अभी करेंगे इंडिकेटर चेंज, खोलने के लिए पूरा खोलना पड़ेगा। हर बार सब आती हैं और भाई साहब से हमने चैनल सब्सक्राइब करवा लिया, रोज़ वीडियो को लाइक भी करना आपने, ठीक है भाई साहब? एक इंडिकेटर ने इसकी मुसीबत बना दी है। ये लग गया हमारा नए वाला इंडिकेटर। ये बाइक रेडी? ठीक है, बचा देती है। खैर ये बाइक दो बार ही बचाया इसने, अभी थोड़ा सा पीछे करेंगे हैंडल को। ठीक है बलदेव भैया, ध्यान रखो सेहत का। हाँ अब जाएगा, ज्यादा हो गया। ये ठीक है, देखो ये तो बड़ा गैप है, कहीं भी नहीं लगेगा। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? चैनल सब्सक्राइब किया आपने भी है? मैं बाहर वाले सारी वीडियो देखी है, अपने देखने हैं। क्या बात है, क्या बात है, फेमस हो गया मैं। पहले भी वहाँ भैया खड़े थे, वो भी कह रहे थे कि मैंने देखी आपकी जिस दिन बाइक गिरी। हैंडल वैंडल का काम करवा के वो नकल गार्ड मैंने देख रखे हैं, अब मैं देखता हूँ कहाँ से डलवाने हैं, क्या करना है। राइडिंग गियर्स हैं, कुछ मंगवाए हैं, ग्लव्स मेरे पास पहले थे, नी गार्ड एल्बो गार्ड वो मैंने मंगवा लिए हैं, और सोच रहा हूँ कि जैकेट भी ले लूँगा, क्योंकि उसके बिना सेफ नहीं है ना चलाना। तो बाकी सब तो चलो बढ़िया है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से सब कुछ सही चल रहा है। टाइटल और थंबनेल पे आपने जैसा पढ़ा, रिपेयरिंग माई डैमेज बाइक फॉर लॉन्ग राइड, राइड के लिए भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, अनप्लान्ड और रॉ चीज़ में ही मुझे मज़ा आता है, और शायद वही चीज़ मेरी आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अगर सब सही रहेगा। पहले तो मुझे ये टांग ठीक करनी है अपनी किसी तरीके से, भूख लग गई है तो पहले खाना खाएंगे। ए भाई, इतना बड़ा ट्रक जब रास्ते में आ जाता है ना, तो इससे काफ़ी साइड पर रह के चलना पड़ता है। अब खाना वाना खा लिया है, आई डोंट नो, बाय बाय। कि मेरे लैपटॉप की बैटरी है वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने यहाँ से वो ली थी, लेकिन अब ये भाई के ना यार, मैंने बैटरी दे के रखी है 5 दिन हो गए आज, कभी इनकी रिप्लेस नहीं हो रही, कभी कुछ नहीं हो रहा, और वो बैटरी भी ओरिजिनल नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि एक बैटरी से क्या है, आप ब्लॉग पूरा एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लैपटॉप डेड हो गई होगा। तो मैं काम करता हूँ, एक ना ओरिजिनल बैटरी खरीद लेता हूँ, और इस बैटरी को मैं एज ए बैकअप रख लूँगा, कुछ ना कुछ तो मैंने सोचा है, ऊपर वाले की दया दृष्टि सही रहेगी, तो चलो देखते हैं क्या बनता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं भाई अब ये प्लान है ऐसा करना है, नहीं ऐसा बोलो तो फिर ऊपर वाला ना प्लान कैंसिल कर देता है। भैया लैपटॉप की बैटरी HS4 नहीं, ओरिजिनल क्या क्या आता है गारंटी वगैरह? और एक वो दे दो, हार्ड डिस्क का कवर दे दो। परसों रात को एक वो लेके गए थे आपसे हार्ड डिस्क, याद है आपको? ये लो 3500 काटो। एक कवर ना हार्ड डिस्क का जरूरी रहता है, एक मेरी हार्ड डिस्क है उस पर कवर नहीं है, तो ये वाला थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, अच्छा भी है। खैर ऑनलाइन मंगवाओ तो 3-4 दिन लगते हैं उसको आने में। बिल दे दो, खर्चे आते रहते हैं अनएक्सपेक्टेड। ओह भाई कपड़े भी खरीदे मैंने, देख रहे हो आप, थोड़ा बहुत डेली व्लॉगिंग पे शिफ्ट कर रहे हैं, लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं। 3500 की बैटरी है, और जो हार्ड डिस्क है उसका ये बिल में ऐड नहीं करते हैं। तो ये रहा मेरा लैपटॉप, पहले तो इसकी बैटरी निकालते हैं। एक ये लॉक होता है, इस तरह से बैटरी निकल जाती है। पता नहीं आपको यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक्चुअली GoPro में पास की चीज़ नहीं दिखती। यहाँ पे लिखा हुआ है HP HS4, तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है HS04। ठीक है, ये सील खोलने के लिए तो कुछ लाया नहीं, तो छत पे क्या है हमेशा कुछ ना स्पेयर पड़ा रहता है। थोड़ा औजार हमारा ज़्यादा बड़ा है, बट चलेगा। ऐसी अनबॉक्सिंग भी आपने कहीं नहीं देखी होगी। ओके, मेरे को लगा इसके अंदर एक और पैकिंग होगी। मिलते बिल्कुल डेड हो गया, सबसे पहले तो चार्ज लगाना पड़ेगा।
बैटरी वैटरी को तो हमने चार्ज पे लगा दिया है। तो अब हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। जो मुझे इंजरीज हुई थी ये बाजू वाली है, ये तो रिकवर हो रही है अच्छे से, बिकॉज इसमें ज्यादा मूवमेंट भी नहीं होता। लेकिन जो मुझे घुटने पे लगी है ना, मैं रोज बाहर जाता हूँ इस वजह से वो अच्छे से हील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घुटने में जब मूवमेंट होती है तो वो हो नहीं पाता है। अब उसमें दिक्कत आ रही है, उसमें शायद इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है। थोड़े दिनों के लिए बाहर नहीं जाने वाला हूँ और प्रॉपर रेस्ट करने वाला हूँ। अगर रेस्ट करते हैं तो फिर भाई सब कंटेंट का क्या होगा, तो मेन मसला वो था। मैंने आज तक कोई Q&A सेशन नहीं किया है, 65,000 सब्सक्राइबर्स पे हैं। वो जर्नी सारी किस तरह से हमने की है, पर्सनल लाइफ है मेरी, उसके बारे में मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया है। बड़ी सारी चीजें हैं। कल आप वीडियो देखने वाले हो, वो एक Q&A सेशन होने वाला है। इंस्टाग्राम पे एक वो आता है ना, आस्क मी एनीथिंग करके, आस्क मी एनी क्वेश्चन, तो वो तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। वहां पे आपको जो क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चला रहे हैं, क्योंकि मुझे मैसेज आते रहते हैं कि भाई हम लोग इंस्टाग्राम नहीं चलाते, मैं लाइव भी अपना इंस्टाग्राम पे करता हूं, तो जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे हैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ना कमेंट कर दो, मैं यहां से भी वो सारे क्वेश्चन पकड़ लूंगा। और कल मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो उन सबका आंसर करूं। और कल की वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। और ये सब चलेगा तब तक जब तक इंजरीज हैं वो पूरी तरह से हील नहीं हो जाते और मुझे ये नहीं लगता कि भाई अब मैं बाहर जा सकता हूं सेफली। यहां शोर काफी ज्यादा है और ये कभी बंद नहीं होता। तो बस आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। तो कल आपको एक Q&A सेशन के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन जितने भी हैं, जो पूछना चाहते हो पूछ लो, हर एक चीज में आंसर करूंगा आपकी। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्पोर्टिंग। नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा।